प्रिय मित्रों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं वह भारत के बहुत ही आदरणीय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर श्री देवीलाल जी के घर पर हुई घटना से है। यह 11/11/88 यानी कि 11 नवंबर 1988 की घटना है। आदरणीय देवीलाल जी के पौत्र श्री अभय चौटाला, जो स्वयं एक बहुत ही माननीय राजनीतिज्ञ रहे हैं और अभी भी एक्टिव हैं, उनके पत्नी का से संबंधित घटना से संबंधित है। हुआ इस तरह के घर के सभी लोग इधर उधर कार्यों में व्यस्त थे। घर में सिर्फ उनकी एक सर्वेंट जिनका नाम दुर्गा था वो ही थी, और अभय जी की पत्नी जिनका नाम सुप्रिया था और उम्र उनकी 19 साल की थी, वह अपने कमरे में सफाई का, जैसे नियमित रूप में घर में लेडीज सफाई करती हैं, उस तरह से अपने संदूक वगैरह की और कमरे की सफाई कर रही थी। सफाई करते वक्त अचानक बड़े ट्रंक में से एक अटैची निकली, या शायद अटैची ऊपर पड़ी होगी। उसको उन्होंने खोला तो उसमें उनको एक पिस्टल जो है वो नजर आई। उन्होंने उस पिस्टल को साफ करने के लिए बिना ये जाने, क्योंकि ये उनको पता नहीं था कि वो पिस्टल लोडेड है और कॉक्ड है। अब ऐसे वेपन को छेड़ते ही अगर ट्रिगर पे हाथ लग गया तो वो फायर कर देता है, और वैसा ही हुआ। वो जैसे ही उनको साफ करने लगे और ट्रिगर पे हाथ पड़ा, वो चल पड़ा। गोली उनके कंधे में बाई तरफ लगी, नेक में, लोअर नेक में बाई तरफ लगी, और पीछे से नेप ऑफ द नेक, नेप हम बोलते हैं जो नेक के पीछे थोड़ा सा हिस्सा होता है जो जुटता हुआ नेक से जाता है, उस हिस्से से बैक साइड से वो गोली निकल गई, लेकिन उनकी डेथ हो गई। काफी ब्लीडिंग हुई और ब्लीडिंग से ही उनकी डेथ हो गई। अगले दिन 12 नवंबर 88 को डॉक्टर जीके कटारिया ने पोस्टमार्टम किया, जिसके इंक्वेस्ट पेपर डब वाले सदर पुलिस स्टेशन ने प्रिपेयर किए थे, और पोस्टमार्टम कराया गया। घर के सभी लोग उपस्थित थे, और इस तरह से किसी पे कोई शुभ या कोई शक होने का प्रश्न नहीं था। रूटीन तरीके से उनका दाह संस्कार कर दिया गया, लेकिन न्यूज़पेपर और राजनीतिज्ञ कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने एक इशू बनाया और इस इशू को डिस्कस किया गया, और बहुत से चाहे अनचाहे प्रश्न और कहानियाँ प्रेषित कर दीं, जैसा कि हमारे राजनीतिज्ञों का और
मीडिया का स्वभाव है। और उन्होंने सीबीआई की जांच की मांग कर डाली। वामन ने केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया और सीबीआई ने जुलाई 1992 को उनके एक सीनियर अधिकारी श्री ए के मजूमदार ने मेरे को एक पत्र लिखा, जिस पत्र में उन्होंने पूरी घटना का वर्णन करते हुए मेरे को सहायता देने के लिए रिक्वेस्ट किया। यथोचित मैंने डायरेक्टर से और अन्य अधिकारियों से परमिशन लेकर और सीबीआई से कांटेक्ट किया, उनको इन्फॉर्म किया और एक टीम बनी जिसमें सीएफएसएल सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के और हम बना करके उस जगह को सीन को विजिट करने का एक कार्यक्रम बनाया गया जो नेसेसरी था ऐसी परिस्थितियों में। सीएफएसएल की तरफ से इसको लीड कर रहे थे श्री रूप सिंह, स्वर्गीय रूप सिंह, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, और इधर फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट की तरफ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा था। हमने मौके को देखा, मौके का इंस्पेक्शन किया और वहाँ पे हमने उसका पूरा चित्रांकन, मौके का कहाँ ड्राइंग रूम है, कहाँ सारी, जैसे हमारी एक व्यवस्था और एक प्लानिंग होती है, जैसा हम लोगों की एक प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस के आधार पर हमने सब चीज़ वहाँ पे उसमें ड्रॉ की और ये देखा कि वहाँ पे कहाँ, ये तेजा खड़ा जगह का नाम था, जो तेजा खड़ा बहुत ही खूबसूरत जगह थी और इनका घर आदरणीय देवीलाल जी का घर तो और भी बहुत अच्छा था। हम लोगों ने कुछ देर उनके सामने घर के एक बड़ा बरगद का पेड़ था जिसके नीचे काफ़ी चेयर्स वगैरह पड़ी थी, वहाँ रेस्ट भी किया, लेकिन उस वक्त घर में कोई भी नहीं थे, अभय जी थे और उनसे बातचीत हुई। उसी बातचीत के दौरान मुझे ये भी पता चला, क्योंकि जैसे ही बातचीत में मैंने बताया कि मैं बीकानेर से हूँ, तो उन्होंने भी कहा हमारे भी पूर्वज बीकानेर में एक जगह मुकामा करके, मैंने कहा हाँ है नोखा के पास, तो बोले वही नोखा के पास से हम लोग काफ़ी टाइम पहले यहाँ पे माइग्रेट किए थे, जो मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य और खुशी की बात थी कि वो उनकी भी रूट्स बीकानेर में है। खैर, उसके बाद में हमने डिटेल किया सारा, जो कागज़ वगैरह थे, जो भी हमने करना था सारा डिस्कशन वाक किया और करके फिर हम लोग गेस्ट हाउस में जहाँ पे हमें ठहराने का बंदोबस्त किया था वहाँ हम आ गए और वहाँ में हमने अपनी डिटेल्स जो वहाँ नोट की थी उनको मैच किया जो डिटेल्स अर्लियर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में और डॉक्टर साहब ने पोस्टमार्टम में प्रोवाइड की हुई थी। उसके आधार पर जो बेसिक प्रश्न हमको पूछा गया था, जो मेरे लिए था, वो ये वेपन का था, तो 0.32 वेपन था, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी, हालांकि रूप सिंह जी ने देखते ही उसको बता दिया गया था, क्योंकि वेपन लेके आए थे साथ में, हमको रास्ते में ही पता चल गया था क्योंकि वेपन सीएफएसएल में पहुंच चुका था। और उसके बाद जब वुंड का हमें एग्जामिनेशन किया और देखा और सारी वहाँ पे स्थिति थी उसको देखा, तो वुंड लेफ्ट साइड नेक से होता हुआ, साइड से होता हुआ और रैप अप नेक से निकलता है। अब ये बिल्कुल इंगित करता है कि यह एक सुसाइडल या होमिसाइडल वुंड संभव नहीं है, क्योंकि जब सुसाइडल होता है तो व्यक्ति उस जगह पे मारता है जहाँ पे उसके बचने के चांसेस नहीं होते, वो सिर पे रखेगा, मुंह पे रखेगा या इधर ठोड़ी के नीचे रख करके, जहाँ से ब्रेन का ब्लास्ट होने का या वाइटल ऑर्गन्स के ब्लास्ट होने का पूरा चांस रहता है, ऐसी जगह पे रखा जाता है या चेस्ट पे या कहीं और रखेगा वो वेपन। लेकिन यहाँ पे बड़ा अनयूजुअली और जिस तरह से उस कमरे में हमने पोजीशन देखी थी, उस अटैची वगैरह वैसी वैसी पड़ी थी, तो उन सबको खोल के जैसा हमने क्लीनिंग का और जैसा बनाया था उस हिसाब से वो वुंड लेफ्ट साइड को जाता हुआ और बिल्कुल साइड से निकलता हुआ, अगर थोड़ा सा भी इधर हो जाता तो नेक बच भी जाते और अगर कोई मेजर ब्लड वेसल नहीं जाती तो शायद उनकी डेथ भी नहीं होती।
अनफॉर्चुनेटली उनकी नेक की जो मेजर वेसल्स होती हैं उनको टच हुआ कर गई बुलेट, तो उससे ब्लीडिंग होकर के डेथ हो गई। अदरवाइज वो बच जाते, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि वुंड लेफ्ट साइड के साइड से गया है और पीछे नैप से निकला है, तो नैप भी कोई वाइटल एरिया नहीं है, और डायरेक्शन की वुंड उसकी बिल्कुल ये बता रही थी कि ये एक एक्सीडेंटल फायर है जो उनके हाथ के साइज से, जैसे हमने होल्ड करके देखा था तो वहाँ से ट्रैक बनाता हुआ निकल रहा है। तो इस तरह से हमने ये कहा कि नहीं, ये सुसाइडल नहीं लगता, नहीं होमिसाइडल है, यह वुंड एक्सीडेंटल है। और बाकी हमने कहा कि भाई बाकी जो सरकमस्टांशियल एविडेंसेज हैं उनके साथ में इसको कोलेबरेट किया जाए, जिसको सीबीआई ने कोलेबरेट करके फाइनली इसको एक्सीडेंटल फायरआर्म ड्यूरिंग क्लीनिंग ऑफ द वेपन जो है वो माना गया, और बाकी सारी थ्योरी और कहानियां जो लोगों ने, पब्लिक ने, मीडिया ने बनाई थी, उन सबको खारिज कर दिया गया। धन्यवाद।